हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2D मोशन। 2D मोशन बेसिकली 2D मोशन है ही नहीं, इट्स 2 सेपरेट इंडिविजुअल 1D मोशंस। ये बात दिमाग में रखना। शुरुआत करने के पहले जो स्टेटमेंट मैंने कहा है उसको ध्यान में रखना और देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी 2D मोशन, जिसको क्या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आपने एक ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया। यू हैव थ्रोन सम ऑब्जेक्ट एट सम एंगल विथ सम वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से ये रहा आपका XY प्लेन और ये रहा ऑब्जेक्ट जिसको कि आपने क्या कर दिया, जिसको आपने फेंक दिया। किस वेलोसिटी से? सम इनिशियल वेलोसिटी, u लिख लो, v लिख लो, एट सम एंगल थीटा, परफेक्ट। अब इसके बारे में हमको कुछ बातें करनी है कि अगर ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है तो कितने समय पे इसकी पोजीशन क्या होगी, मोशन किस तरह का होगा, कितना समय इसको लगेगा नीचे से ऊपर तक जाने में, कितनी मैक्सिमम हाइट होगी, क्या रेंज होगी, ये बातें हमको करनी है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं फेंकता हूँ, ये देखो क्या मोशन था इसका, व्हाट वाज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ आई थ्रो दिस ऑब्जेक्ट, इफ आई प्रोजेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, ये कुछ इस तरह से जा रहा है ऐसे। आपने तो इसको एंगल पे फेंका, ये रहा ऑब्जेक्ट, आप तो इसको एंगल पे फेंक रहे हैं ऊपर, समथिंग लाइक दिस। लेकिन ये स्ट्रेट क्यों नहीं निकल रहा? व्हाई इज इट नॉट गोइंग स्ट्रेट? बिकॉज देयर इज अ कंटीन्यूअस फोर्स दैट्स पुलिंग इट डाउनवर्ड। आपने ऑब्जेक्ट को फेंका सीधे, लेकिन ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा था एक फोर्स। विच वॉज दैट फोर्स? दैट इज डेफिनेटली द फोर्स ऑफ mg। तो ये जो mg है, जब भी बॉडी सिर्फ mg के इन्फ्लुएंस में होती है, वेन एवर द बॉडी इज ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ mg, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज mg डाउनवर्ड। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। स्टूडेंट्स, व्हाट डू वी कॉल इट? दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। तो आपने एक ऑब्जेक्ट को फेंका जो कि फ्री फॉल में है। अब इसके मोशन को सिंपल सी देखो, कुछ भी लिखा नहीं है अभी मैंने बोर्ड पे, बस एक ऑब्जेक्ट है जिसको फेंका है और जो किसी तरह का मोशन कर रहा है। वी नीड टू स्टडी दिस मोशन। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? कोई फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूँ अभी मैं, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये याद रखो वो याद रखो, बस अभी आप देखते चलो, ठीक है। सी, इफ़ यू प्रोजेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एट सम वेलोसिटी, आप मुझको ये बताओ कि आपने वेलोसिटी दी कहाँ पे? सर, हमने वेलोसिटी तो बीच में कहीं दी है ना? आपने तो इसको ऐसे कुछ फेंका ना, यू प्रोजेक्टेड इट लाइक दिस। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आपने ऑब्जेक्ट को दोनों डायरेक्शंस में वेलोसिटी दी है? दोनों मतलब ये एक्स और ये वाई। यस, वी हैव गिवन दिस ऑब्जेक्ट वेलोसिटी अलोंग एक्स एज वेल एज अलोंग द वाई। एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस में एक साथ आपने वेलोसिटी दी है। कितनी दी? हाउ मच वेलोसिटी अलोंग एक्स? कैसे निकालते हैं? दिस इज यू, व्हाट्स द कंपोनेंट? सर, हमको कंपोनेंट में ही तो दिक्कत जाती है, कंपोनेंट में बड़ी समस्या जाती है रिजॉल्व करने में। तो आओ सीखते हैं। लेट्स सी, सी इफ दिस इज अ फोर्स एफ, अगर ये एक फोर्स एफ है और ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, दो हिस्से होंगे, हाँ या ना? वन वुड बी अलोंग द एक्स, एफ एक्स, एंड द अदर वन वुड बी अलोंग द वाई। तो एक्स के अलोंग कितना हिस्सा होगा, वाई के अलोंग कितना हिस्सा होगा, ये कैसे निकालें हम लोग? इसके लिए आप कंप्लीट कर दीजिए ट्राइंगल, ठीक है। ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ, तो हमने इसको कर दिया बड़ा, ये बन गया आपका ट्राइंगल। ओके, हैव अ लुक ओवर हियर। अच्छा सर, तो अगर ये फोर्स F है तो ये इसका कौन सा कंपोनेंट बन गया? दिस इज F cos ऑफ थीटा। कैसे? ये बात तो समझ में ही नहीं आई सर हमको। दिस इज F, दिस इज F x, दिस इज F y। ओके, तो सर cos थीटा को हम क्या लिखते हैं? व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा इज व्हाट? cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बन गया cos थीटा। F x डिवाइडेड बाय F, तो एफ एक्स को आपने लिख दिया एफ कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा को आप लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दैट मीन्स एफ वाई कितना बन जाएगा? एफ वाई इज गोइंग टू बी एफ साइन ऑफ थीटा, हाँ या ना? ये तो अभी मैंने सिर्फ रिजॉल्व करना बताया, दिस इज ओनली रिजॉल्विंग। ओके, सो लेट्स रिजॉल्व द वेलोसिटी। अब आप मुझको बताइए कि वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट्स क्या बन जाएंगे? इफ दिस इज यू, आपने बॉडी को फेंका है, तो आपने इसको क्या कॉम्पोनेंट्स दिए? यू हैव गिवन इट यू कॉस थीटा लॉन्ग एक्स एक्सिस, also at the same time it is having a vertical component, that's u sin theta along the y axis, hai ya na? definitely yes, aur inke influence mein body ja rahi hai, kuch is tarah ka motion kar rahi hai, okay, to theek hai, kyun na hum log isko horizontal aur vertical, horizontal aur vertical direction mein resolve kar le puri baaton ko, jitni bhi isme parameters hain, parameters kaun kaun se, velocity, acceleration, displacement, इनको रिजॉल्व करते हैं हम लोग, रिलेट करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। सबसे पहले आप मुझको ये बताइए कि इनिशियल वेलोसिटी,
हॉरिजॉन्टल में कितनी है, कितनी कही आपने, दिस इज यू कॉस ऑफ थीटा, यू कॉस ऑफ थीटा, परफेक्ट। अच्छा वर्टिकल में कितनी है, हाउ मच इज अलोंग द वर्टिकल, इट्स यू साइन ऑफ थीटा, तो ये मैंने लिख दिया यू साइन थीटा। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, इज देयर सम फोर्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन, आपने तो एक बार ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, द ओनली फोर्स दैट्स एक्टिंग इज अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन एम जी, सो इज देयर सम फोर्स दैट्स एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, डेफिनेटली नो, है क्या फोर्स, नहीं है ना, कौन सा फोर्स लग रहा है, एक्स में कोई फोर्स नहीं है, देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स, और अगर फोर्स नहीं है एक्स डायरेक्शन के अलोंग, सो एक्सीलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो। अच्छा वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स है, वर्टिकल डायरेक्शन में एम जी फोर्स है, इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट दिस इज द फोर्स एम जी थ्रू आउट लग रहा है बॉडी पे, एम जी तो कंटिन्यूसली लग ही रहा है ना। चलो एक छोटी सी बात बताओ कि ये दो बॉल्स हैं, एक बॉल जा रही है ऊपर, एक बॉल आ रही है नीचे यू वेलोसिटी से, दोनों पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, दोनों पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ये पेन ऊपर जा रहा है, पेन नीचे आ रहा है, जब पेन ऊपर जा रहा था तो एम जी की डायरेक्शन, तभी भी एम जी नीचे ही लग रहा था, और जब पेन नीचे आ रहा है तो भी एम जी नीचे ही लग रहा है, समझ में आती है ना बात। जी तो हमेशा अर्थ की तरफ ही लग रहा है, टूवर्ड्स द अर्थ, इट्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, सो नो मैटर व्हाट द बॉडी इज डूइंग इफ इट्स अंडर फ्री फॉल द एक्सेलरेशन इज जी डाउनवर्ड्स। मैं पॉजिटिव नेगेटिव अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, कन्वेंशंस में भी हम नहीं उलझेंगे, ठीक है, आएंगे हम लोग कन्वेंशन पे। सी आपने लिखा x डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन का आपने लिख दिया जीरो, ओके सो व्हाट्स द एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन, दैट्स g डाउनवर्ड, g लग रहा है ना नीचे की तरफ, कितना फोर्स है इस पे, mg फोर्स है डाउनवर्ड्स, है ना, एक्सेलरेशन g। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग लिख देते हैं कितना, दैट्स रेंज। ये क्या बन गया बेटा, ये क्या बन गया, दिस इज द रेंज, ओके दिस हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड रेंज। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, सो दिस इज हॉरिजॉन्टल में, दिस इज रेंज, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना है, सर वर्टिकल में तो इतना डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा कॉमनली बच्चे बोलते हैं, लेकिन आपको ऐसा बोलना नहीं है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी ऊपर गई और नीचे आ गई, गई ना ऊपर, ये बॉडी गई ऊपर और वापस नीचे आ गई, तो y कोऑर्डिनेट पहले कितना था, द y कोऑर्डिनेट इनिशियली वॉज जीरो, और फाइनली x कोऑर्डिनेट तो r हो गया, लेकिन y कोऑर्डिनेट अभी भी जीरो है, ऊपर गई बॉडी, बॉडी गई ऊपर, बॉडी आ गई नीचे, तो ऊपर जाना नीचे आना, नेट डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कितना है, जीरो ही तो है, हाँ या ना, सो द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y डायरेक्शन इज जीरो, हमने लिख दिया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो। अच्छा 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 अच्छा, स्क्रीनशॉट लो तो जल्दी जल्दी से, ये मैं लेफ्ट साइड की बातों को इरेज कर रहा हूँ। अब देखना कुछ भी, देखो कुछ भी इसमें याद रखने की ज़रूरत अभी है नहीं, सिंपल एनालिसिस है, तरीका देखो हमने क्या किया है, व्हाट वी हैव डन, और देखो इसके बेसिस पे कैसे हमारे रिजल्ट्स अभी धड़ाधड़ आएंगे, बिल्कुल टाइम निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, ओके, और फिर उस पर देखेंगे एक थोड़ा अलग तरह का सवाल, ओके, इतनी बातों में कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है, चलो बड़ी अच्छी बात है। नाउ सी, हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले आप निकालिए टाइम, व्हाट वी नीड टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम निकाल दें, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, तो हम लोग बात कर रहे हैं ए से बी के बीच में, सर हमको तो टू डायमेंशनल मोशन के लिए कैसे इक्वेशन लगाना, क्या इक्वेशन लगाना, कुछ भी नहीं आता, तो दिक्कत वाली बात भी नहीं है उसमें, जो इक्वेशंस आपने सीखी है ना, कौन कौन सी सीखी है, वन डी मोशन की इक्वेशंस, तीन इक्वेशन आती हैं हमको, कौन कौन सी, v इक्वल्स u प्लस ए टी, फिर v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as, और s इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तीन इक्वेशंस हमको आती हैं, यही इक्वेशंस को मैं अप्लाई करने वाला हूँ सिंपली अलोंग जस्ट वन ऑफ द डायरेक्शन, या तो मैं x में लगाऊंगा या तो y में लगाऊंगा, जिससे मेरा फायदा होगा, सोचने वाली बात है। तो आप सोचो कि आपको ए से बी के बीच में बात करनी है, हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हमको टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम, वी नीड टू फाइंड टाइम, टाइम जो होगा टोटल, ये बॉडी चल रही है जाके गिर गई यहाँ पे, इतना इसका टाइम है, दिस इज द टोटल टाइम, दिस इज द टोटल टाइम, तो क्या मैं टोटल टाइम को मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँचने का टाइम निकाल के अगर उसका ट्वाइस करूँ तो मुझको टोटल टाइम मिल जाएगा, इफ़ आई फाइंड आउट द टाइम फ्रॉम ए टू बी एंड देन आई मेक इट ट्वाइस, इट मेक्स सेंस,
डेफिनेटली येस. सो हाउ टू फाइंड आउट द टाइम बिटवीन ए टू बी, बॉडी ए से बी तक जाते समय कितना टाइम लगा रही है ए से बी तक पहुंचने में, दिस इज ए टू बी. तो बताइए क्या करूं मैं, ये हाईएस्ट पॉइंट है. हाईएस्ट पॉइंट की खासियत क्या होती है, ये मैं हमेशा पूछता हूं क्लास में, व्हाट्स द स्पेशलिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट. तो अलग अलग आंसर्स आते हैं कि सर हाइट मैक्सिमम है, ये है. हाईएस्ट पॉइंट की खासियत ये है कि वो हाईएस्ट है. अब हाईएस्ट होने से क्या मतलब है, हाईएस्ट है इसलिए उसके पास और ऊपर जाने की इच्छा नहीं है और ऊपर जाने की टेंडेंसी नहीं है. दैट मीन्स एट दिस पॉइंट द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज गोइंग टू बी जीरो. सो एट द पॉइंट बी वर्टिकल कॉम्पोनेंट दैट मीन्स y कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कितना हो जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी जीरो. ठीक है, अब हम a से b के बीच में बातें कर रहे हैं, हमने लगा दी. अच्छा कौन सी इक्वेशन लगाएं यार, जरा देखो तो सही. यहाँ पे ये a है, ये b है, मुझको टाइम निकालना है. s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दें, क्या होगा उससे, कुछ भी नहीं होगा. इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में मालूम है, टाइम हमको निकालना है. तो क्यों ना मैं v इक्वल टू यू प्लस at लगा दूँ, एक थॉट आ रहा है दिमाग में, लगा के देखते हैं शायद सही हो. सो आई हैव अप्लाइड v इक्वल्स यू प्लस ए इंटू टी. तो मुझको बताइए वी वाई की वैल्यू कितनी है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ वी वाई, इट्स जीरो. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ यू वाई, इट्स यू साइन ऑफ थीटा. एक्सिलरेशन नीचे की तरफ है. अब सुनना बात को ध्यान से, आपके ऊपर हैं कन्वेंशंस. ऐसा नहीं होता है कि नीचे की तरफ की क्वांटिटीज नेगेटिव होती हैं. बाइबल में नहीं लिखा, गीता में नहीं लिखा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा ऐसा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. आप चूज करो डायरेक्शन. आपने बोला कि यार देखो इनिशियल वेलोसिटी मेरी ऊपर की तरफ है, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है. दोनों में से एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा. जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो, वेन एवर वी एंड ए आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे की उल्टी डायरेक्शन में हो अपोजिट, तब आपको कन्वेंशन की चिंता करनी है. Whenever velocity and acceleration in opposite direction, then you have to think. वरना कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ भी लो प्लस या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इस समय पे आपको एक सेकंड के लिए रुक के सोचना है. क्या सोचना है आपको, ये सोचना है कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मतलब मैं किसको प्लस ले रहा हूँ किसको नेगेटिव ले रहा हूँ. ये तो आपके ऊपर है ना कि आप किसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं किसको नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं. दैट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन योर आंसर एज वेल एज इन योर लाइफ. तो आपने कंसिडर किया कि ऊपर की जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी पॉजिटिव हैं, नीचे की जितनी क्वांटिटीज़ हैं बाय डिफॉल्ट नेगेटिव बन गई. ओके सो वी वाई इज जीरो, इसको आपने ले लिया प्लस यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी. ओके सो व्हाट्स द टाइम, टाइम आ गया यू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी. तो अगर ये मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने का समय है, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट. ओके सो व्हाट्स टाइम ऑफ एसेंट, ये आ गया टाइम ऑफ एसेंट. तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा इंटू टू, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट. ये आ गया भाई साहब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला. जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसको पूरा इरेज कर दें. तो टाइम की बात कर ली हम लोगों ने, है ना. अब निकालते हैं मैक्सिमम हाइट और रेंज. सेम लॉजिक, कुछ अलग नहीं होगा इसमें, बस थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान दो और मुझको बताते जाओ कि क्या करना है. नाउ वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट. ओके दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट. लेट्स से दिस हाइट इज h, ये है h हाइट, और इसी की वैल्यू हमको निकालनी है. इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स तो हमको मालूम है, दिस इज u साइन ऑफ थीटा. फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग द y डायरेक्शन जीरो. अब मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊं, सोचो ना थोड़ा सा. इनिशियल फाइनल हमको मालूम है. अगर मैं s निकालना चाह रहा हूँ तो एक थॉट आता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें, थोड़ा लंबा हो जाएगा, टाइम इन्वॉल्व है उसमें. क्यों ना हम लोग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस लगाएं. लेट्स फाइंड वी स्क्वायर, लेट्स अप्लाई वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस इन दिस सिचुएशन फ्रॉम ए टू बी. वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. अच्छा वी वाई कितना, जीरो. यू वाई कितना, u साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर. अब वही बात आ गई कि वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सिलरेशन की डायरेक्शन अलग अलग हैं, तो सोचना है आपको. मैंने कहा था ना एक सेकंड के लिए जीवन में रुकना और सोच लेना कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं. एक्सिलरेशन नीचे की तरफ है इसलिए उसको हमने ले लिया नेगेटिव. सो दिस इज माइनस जी, हाउ मच इट इज, दिस इज माइनस जी
माइनस टू जी, एस को कितना लिख दिया एच, सर एस जो है वो भी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट्स ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, उसमें प्लस माइनस का क्या करें? आप कहाँ से मेजर कर रहे हैं? आप यहाँ से यहाँ मेजर कर रहे हैं, सो द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम डाउन टू अप। आपने नीचे से ऊपर की चीज़ों को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, ये चीज़ें पॉजिटिव, तो बाय डिफॉल्ट ये बन गई नेगेटिव। ऐसा ही लेना है कि हमेशा? बिल्कुल नहीं, आपकी आपकी मर्जी है यार, आपके ऊपर ही है। तो वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, यू टेक द कन्वेंशन एंड फॉलो द कन्वेंशन थ्रू आउट द न्यूमरिकल। कितना आ जाएगा? मैक्सिमम हाइट आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी, ये आपके पास आ गई मैक्सिमम हाइट की वैल्यू। अच्छा तो सर अब तीसरी चीज़ क्या बची है हमारे पास, क्या निकालना है? एक और चीज़ जो हमको निकालना है दैट्स दी रेंज, और उसके बाद मैं बताऊंगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ओके तो रेंज कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड आउट द रेंज। एक्स डायरेक्शन की बातें चल रही है, एक्स डायरेक्शन में बॉडी की स्पीड कितनी है, दैट्स यू कॉस ऑफ थीटा, हाँ या ना? अच्छा बॉडी को यहां से लेकर यहां तक जाने में, ए से लेकर बी तक जाने में समय कितना लग रहा है, दैट्स टी टाइम ऑफ फ्लाइट, डेफिनेटली यस। तो क्या मैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम ऐसा लिख सकता हूं? ऐसा क्यों सर, इक्वेशन क्यों नहीं लगाई? बिकॉज देर इज नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन, हमको ये मालूम है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम अप्लाई कर सकते हैं, कर दिया। तो कितना मिल रहा है हमको, यू एक्स कितना है, यू कॉस ऑफ थीटा इंटू व्हाट्स टाइम, अभी अभी आपने निकाला टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है जो मैं कहूँगा कि आपको याद होनी ही चाहिए, बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक है। टू साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा क्या होता है बेटा, ये टू साइन थीटा कॉस थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है, दिस इज साइन टू थीटा, है ना? तो ये बन गया साइन टू थीटा। तो ये कितना जनरेट हो गया रेंज का फॉर्मूला, कुछ आपके सामने आ गया, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। ये आ गए आपके सामने तीनों फॉर्मूले, टाइम, मैक्सिमम हाइट और रेंज, क्लियर है बातें? तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, लेट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। चलो जी, तो हमने तीन चीज़ें डिराइव कर ली हैं, अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर। बेसिकली क्या है ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, प्रोजेक्टाइल मोशन में लेट्स से कि किसी भी मोमेंट पे आप एक्स डायरेक्शन में इतनी डिस्प्लेसमेंट पे हो तो वाई में कहाँ हो, मतलब क्या है सर इस बात का, मतलब कुछ ऐसा है कि आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ओके ये बॉडी जा रही है, एक फुटबॉल है, आपने इसको किक कर दिया, इट्स गोइंग सम वॉट लाइक दिस, ओके। अब ये बॉडी अगर जा रही है, आपने इसको बोल दिया पॉज स्टैच्यू, ठीक है, बॉडी का मोशन आप ऑब्जर्व कर रहे थे, आपने इसको कर दिया स्टैच्यू इस पॉइंट पे, अगर चलेगी तो जाके गिरेगी ऐसी, हमने एक पॉइंट पे रोक दिया। तो ये पोजीशन अगर एक्स है किसी इंस्टेंट पे तो वाई में कहाँ है बॉडी, इफ द बॉडी इज एट सम डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस, तो वाई में कितने डिस्टेंस पे, यही हमको निकालना है। अगर एक्स की डिस्प्लेसमेंट हमको मालूम है तो वाई कितना होगा, इफ वी नो एक्स हाउ मच इज गोइंग टू बी द वाई, ये रिलेट करना है हमको। अब हम कैसे रिलेट करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आर वी गोइंग टू रिलेट इट। हम इक्वेशन बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई, और उन दोनों को रिलेट करेंगे किसी एक कॉमन पैरामीटर से, वो कॉमन पैरामीटर क्या है, दैट कॉमन पैरामीटर इज टाइम। कैसे, क्योंकि बॉडी सेम टाइम पे एक्स और वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर चुकी है। अगर 2 सेकेंड पे बॉडी यहाँ है दैट मीन्स कि उसी 2 सेकेंड में बॉडी ने एक्स डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट किया, वाई में भी किया। ऐसा नहीं हुआ कि पहले बॉडी यहाँ चली गई फिर ऊपर आ गई, पहले 1 सेकेंड इधर गई फिर 1 सेकेंड इधर गई, ऐसा नहीं है। एक साथ एक समय पे एट द सेम टाइम बॉडी इज अवेलेबल एट दिस पॉइंट एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, इफ द बॉडी इज अवेलेबल ओवर हियर दैट मीन्स इट हैज ट्रैवर्स द एक्स एंड वाई डिस्प्लेसमेंट इन दैट टाइम। तो हम टाइम से रिलेट करने वाले हैं, ध्यान रखना बात, मैंने लिख दी वाई की इक्वेशन एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अच्छा, दिस इज टी इक्वल्स टू जीरो, दिस इज सम जनरल टाइम टी। तो मुझको बताइए वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आपने कितना लिखा, दिस इज लेट्स से वाई, यू वाई कितना लिख दिया, व्हाट्स यू वाई, यू वाई इज यू, दिस इज यू, दिस इज थीटा, आपको मालूम है कितना ये यू साइन ऑफ थीटा इंटू टी। एक्सिलरेशन कितना है,
एक्सेलरेशन इज जी डाउनवर्ड्स हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आपकी बन गई वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपने लिख दी, परफेक्ट। एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन बन जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक्स में हमको मालूम है कोई एक्सेलरेशन नहीं है, है क्या, देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स ना, सो डायरेक्टली यू कैन राइट एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इनटू टी। तो यहां लिख देते हैं इसके नीचे ही, ये लिख दी हमने इक्वेशन एक्स इक्वल्स यू कॉस ऑफ थीटा इनटू टी, परफेक्ट, ये हमने लिख दिया। तो एक्स और वाई की इक्वेशन हमारे सामने है, टाइम की वैल्यू निकाल के ऊपर रख देते हैं। मैंने कहा था ना कि हम लोग एक कॉमन पैरामीटर से रिलेट करने वाले हैं, सो लेट्स डू दिस। ओके, व्हाट डू वी गेट, पहले वाई की इक्वेशन एक बार और लिख देता हूँ, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और टाइम कितना रख दिया आपने, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा। तो ये बन गया यू साइन थीटा इंटू टी, टी इज एक्स अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा है ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, चलो ठीक है, दिस यू गेट्स कैंसल्ड आउट, ये कैंसल आउट हो गया। तो क्या इक्वेशन मिल रही है, वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जनरल इक्वेशन आ गई ट्रेजेक्ट्री की, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। ओके, स्टार बना देता हूँ, अब इसका स्पेशल फॉर्म भी बताऊँगा, कुछ भी नहीं है रे, एक्स टेन थीटा कॉमन निकाल लेंगे, देखो अभी बस, लेट्स टेक दिस एक्स टेन थीटा इज कॉमन, निकाल दें, तो निकाल दिया, वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, पूरी इक्वेशन से आपने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे से तो निकल गया, दिस इज वन। अब यहाँ तो सर एक्स टेन थीटा दिखे नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है तो डिवाइड में रख दो एक्स टेन थीटा, अगर एक्स टेन थीटा डिवाइड में रखते हैं आप लोग तो देखो ज़रा क्या बचेगा, एक्स तो कैंसल आउट हो जाएगा, एक एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, इजंट इट, दिस इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा इधर आएगा, टेन इज साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो गया, कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो गया। अब आप यहां पे देखिए, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा, ठीक है, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा और इस जी को डिवाइड में भेज दो, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी, रेंज बन गई, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी बन गई रेंज। तो y आ गया x tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस x डिवाइडेड बाय r, ये आ गया आपका फॉर्मूला, दिस इज दी क्या कहना चाहिए, स्पेशल फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली काम में आता है क्वेश्चंस में, वेरी फ्रीक्वेंटली दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड, ओके, इन न्यूमेरिकल्स। चलो अब एक ऐसा न्यूमेरिकल करवाता हूँ जिसमें सारी चीज़ें यूटिलाइज हो जाएं, जितना हम लोगों ने पढ़ा है, टेंशन खत्म एक बार में। ओके, ये सारी बातें समअप कर देते हैं हम लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूँ, आई एम इरेजिंग दिस पोर्शन, ले लिया स्क्रीनशॉट, हड़िया में स्क्रीन से, ठीक है, चलो बस एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, इसके बाद देखो आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन गो थ्रू दी बेसिक क्वेश्चंस, एक बार आप लोग सारे न्यूमेरिकल्स इसके ट्राई करो, जो भी मटेरियल आपके पास है, कोचिंग का मटेरियल है, एच सी वर्मा है, डी सी पांडे है, गो थ्रू दी बेसिक लेवल ऑफ एक्सरसाइज, और मुझको बताओ कमेंट्स में कि कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, इफ़ यू वॉन्ट सम एडिशनल मटीरियल, है ना, वेबसाइट तो हो रही है डेवलप लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तब तक मेरे पास जो शीट्स हैं आई कैन सेंड यू देम ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे आप लोग मुझको पिंग कर दो, आई वुड सेंड डायरेक्टली दी शीट्स, और उसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस भी कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, संडे टू संडे डिस्कशन सेशन हम लोग रख सकते हैं, लाइव सेशन जिसमें कि हम लोग जो आप लोगों ने पढ़ा है उस पर आप न्यूमेरिकल्स करो और डायरेक्ट हम लोग इधर डिस्कशंस कर लें। ओके, चलिए करेंगे उसको प्लान आउट, फिलहाल के लिए आप लोगों को क्या करना है, जैसा मैंने कहा ये चीज़ें रिवाइज करके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो। नाउ सी व्हाट एम आई सेइंग, एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, दिस इज अ बॉडी
दिस इज अ टावर ऑफ हाइट, कितनी हाइट ले लें आपके ऊपर है बताइए, कितनी ले, 10, 20, 30, 40, 20 ले लेते हैं, ओके, 20 meter. यू हैव टेकन एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर एंड यू हैव प्रोजेक्टेड दिस ऑब्जेक्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. 30 डिग्री के एंगल पे आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, ओके. सबसे पहले आप निकालिए, फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 4 सेकेंड्स. 4 सेकेंड पे बॉडी किधर होगी ये निकालो. आओ समझते हैं, 4 सेकेंड पे बॉडी किधर होगी, हमको नहीं मालूम किधर होगी. आपने तो फेंक दी बॉडी को, है ना, आपने तो फेंक दिया बॉडी को. अब ये जा रही है बॉडी, हो सकता है कि ऐसे कुछ जाए और गिरे. तो सबसे पहले ये बताओ कि अगर ये एक पॉइंट है, दिस इज़ वन पॉइंट, एग्जैक्टली इस लेवल पे आने में इसको कितना टाइम लगेगा. इस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, दैट्स द टाइम ऑफ फ्लाइट. मैंने क्या निकालने का बोला है, मैंने निकालने का कहा है फाइंड पोजिशन यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉडी एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड, पहला पार्ट है. उसके भी पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, सवाल को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं. इफ दिस इज यू, दिस इज 30 डिग्री, ये बन गया यू कॉस ऑफ 30. यू कॉस ऑफ 30 कितना होता है, कॉस 30 इज 1/2, दिस इज हाउ मच, दिस इज 5. और ये कितना बन गया, दिस इज यू साइन ऑफ 30. 10 इंटू साइन 30 कितना होता है, रूट थ्री बाई टू यानी 5√3, ओके, 5√3. चलिए बहुत बढ़िया, बॉडी जा रही है, ये इनिशियल वेलोसिटीज इसकी हैं. तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगेगा. द टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2u sin theta divided by g. वैल्यूज उल्टी रख दी हम लोगों ने, साइन थीटा कॉस थीटा की, रियली सॉरी. तो u cos थीटा, u cos 30, cos 30 होता है √3/2, दिस इज 5√3, और साइन 30 होता है 1/2, दिस इज 5, ओके. सो हाउ मच इट इज, दिस इज 2 × 10 × 1/2 / 10. कितना आ रहा है टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 1 सेकेंड. हाउ मच इट इज, दिस इज 1 सेकेंड, ये आपके पास आ गया टाइम 1 सेकेंड. अच्छा चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है. तो 1 सेकेंड पे बॉडी इधर है, हो सकता है दूसरे सेकेंड पे ग्राउंड टच कर जाए, है ना. तो 4 सेकेंड तक बॉडी मोशन कर भी रही है कि नहीं ये तो चेक कर लें हम लोग पहले. व्हाट आई सेड कि 1 सेकेंड में तो बॉडी घूम फिर के यहाँ आ गई, है ना, 1 सेकेंड में बॉडी इधर से इधर आ गई. तो 4 सेकेंड तक बॉडी हवा में है भी या नहीं, लेट्स चेक दिस फर्स्ट. कैसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे, देखिए, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके. बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ऊपर से नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, आपके ऊपर है आप नीचे को पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव लेते हो. इफ यू आर कंसिडरिंग अपवर्ड क्वांटिटीज एज पॉजिटिव, इट वुड बी नेगेटिव. नाउ सी कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 20 इक्वल्स टू यू. अब ऊपर की चीज को आप ले लो पॉजिटिव 5t, जी फिर से नेगेटिव, जी की वैल्यू 10, माइनस 5t स्क्वायर. इस तरह की इक्वेशन बन रही है ये. तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम फ्रॉम हियर, कितना आ रहा है ये, दिस इज 5t स्क्वायर माइनस 5t, ओके, 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 20 इक्वल्स टू 0. करो जरा इसको सॉल्व, थोड़ा इरेज कर दें हम लोग, लेट्स इरेज सम पार्ट क्विकली, जल्दी. कितना बन रहा है ये, इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकालो, ओके, फैक्टराइज अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो लगा दो बड़ा वाला फॉर्मूला, अप्लाई द बिग फॉर्मूला, कौन सा, श्रीधराचार्य मेथड, ओके. चलिए, सो दिस इज हाउ मच, दिस इज 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 20 इक्वल्स टू 0. 5 कॉमन निकाल दें इसमें से भी, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इक्वल्स टू 0. कुछ बन रहे हैं क्या इसके फैक्टर्स, नहीं, क्या बोलते हो, नहीं बन रहे है? चलो लगा देते हैं इक्वेशन, टी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a.
सो हाउ मच इज इट, कितना आ रहा है टाइम, टाइम आ रहा है 1/2 प्लस माइनस रूट 17 बाई टू। ठीक है, अब रूट 17 बाई टू नियरली कितना होगा, 4.1 मान लो, 4.1 बाई टू नियरली 2 point something, 16 होता ना 4, रूट 16 इज 4, तो मैंने 4.1 मान लिया अप्रॉक्स, डिवाइड बाई टू 2.05 प्लस आधा, 2.05 प्लस आधा मतलब 2.55, तो जो टाइम है टोटल टाइम जो उसको नीचे आने में लग रहा है दैट्स 2.55 सेकेंड्स, समझ रहे हैं हम बात को। तो 4 सेकेंड पे भी अगर हम बात करें, एक बार तो बॉडी नीचे आ गई, 2.5 सेकेंड में ही बॉडी नीचे आ गई है, इन दिस मच टाइम द बॉडी इज एट द ग्राउंड। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स अगर आपको निकालने हैं, सो दिस इज एक्स कॉमा वाई, वाई का कोऑर्डिनेट तो पता है हमको, अगर आप इसको ओरिजिन लेते हैं 0.0, इफ दिस इज द ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन है तो वाई कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया -20, और एक्स कितना बन जाएगा, एक्स आप निकाल सकते हैं, देखो 4 सेकेंड का कुछ सेंस नहीं बचा, रैंडम डेटा लिया था हम लोगों ने, ठीक है, इसलिए हमने पहले चेक किया कि 4 सेकेंड तक बॉडी हवा में है भी या नहीं, तो नहीं है हवा में, 2.5 सेकेंड पे बॉडी जमीन पे टच कर चुकी है, द बॉडी इज एट द ग्राउंड एट 2.55 सेकेंड्स। ओके, 3 सेकेंड 4 सेकेंड पड़ी रहेगी यहीं पे। ओके, या तो हम लोग इसको इस पॉइंट पे निकालना है हमको, अब एक्स कोऑर्डिनेट, लेट्स फाइंड आउट द एक्स कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस कितना बन जाएगा, एक्स इक्वल्स टू स्पीड यू कॉस थीटा इंटू टाइम, टाइम आप निकाल चुके हैं 2.55 सेकेंड्स, यू कॉस थीटा कितना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यू कॉस थीटा, 5√3, यानी 5 × 1.7 × 2.55, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर फॉर द एक्स कोऑर्डिनेट, एंड यू हैव फाउंड द वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको मालूम है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। तो ये जो है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्यों लिया, कॉमनली हम लोग एक सिंपल सा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ले सकते थे, जो आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, हमने हाइट से क्यों फेंका, क्योंकि इसमें ये बातें सोचनी पड़ती हैं, वी हैव टू थिंक अबाउट दीज पॉइंट्स। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ लेता कि आप 1.5 सेकेंड्स पे निकालो बॉडी की पोजिशन, तो 1.5 सेकेंड्स पे बॉडी कुछ यहाँ होती, इट वुड हैव बीन समवॉट ओवर हियर। अब ये पोजिशन आप कैसे निकालते, आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनानी पड़ती, जैसे ये लिखी है, t की वैल्यू आप लिखते जो भी आपको दे के रखा है, फिर x के लिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करके आप ये पॉइंट निकालते। ओके, सो एनीवेज ट्राई करना इस बात को, और करेंगे इस पे न्यूमेरिकल्स, अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू।